हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और वेलकम टू माय किचन। आज हम इंडियन स्टाइल में मंचूरियन रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि इसमें ना तो सोया सॉस यूज करेंगे, ना ही मैदा और कॉर्नफ्लोर यूज होगा, और इसकी टेस्ट भी रेस्टोरेंट के मंचूरियन जैसा ही लगेगी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं मंचूरियन की रेसिपी। मंचूरियन बनाने के लिए आप कौन सी भी सब्जी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कटोरी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी आधा कटोरी, बारीक कटी हुई फूल गोभी आधा कटोरी, घिसा हुआ गाजर और घिसा हुआ बीट आधा कटोरी। ये सब हम एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए आप कौन सी भी सब्जी ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। यहाँ पे हमने एक कटोरी मीडियम पतला पोहा लिया है, इसे धो के इसमें से सारा पानी निकाल के इसे इस वेजिटेबल में मिला लेंगे। अभी हम इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच सूजी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। इन से सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे ताकि ये मिक्सचर अच्छे से बाइंड हो जाए। इसमें पानी का यूज आप बिल्कुल ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो बन गया है। एक बॉल बना के ऐसे चेक करें, अगर ये गीला लगे या बॉल ना बने तो आप थोड़ा सा बेसन और मिला सकते है। अब हम बॉल्स बनाने के पहले तेल गर्म करने रख देते है और तेल गर्म होने तक मंचूरियन के बॉल्स बना के रेडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे मंचूरियन बॉल्स बन के तैयार हो रहे हैं। सभी मंचूरियन बॉल्स ऐसे ही बना के हम रेडी कर लेते हैं। हमारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गए हैं। अभी इसे तेल में ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं तेल हमारा काफी गर्म हो गया है। इस तरह हम 3 या 4 मंचूरियन बॉल्स डाल के गैस की फ्लेम लो रख के हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम सभी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। इसी तरह हमने सभी मंचूरियन बॉल्स को फ्राई करके रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे मंचूरियन बॉल्स फ्राई करके रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं सॉस बनाने की प्रोसीजर में। यहाँ पे मैंने सेम फ्राइंग पैन लिया है, इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देते है। यहाँ पे मैंने ये सब्जियाँ काट के रखी है, कटी हुई पत्ता गोभी, हरा प्याज, थोड़ा सा 4 से 5 लहसुन बारीक कटी हुई। तेल के गर्म होते ही ये लहसुन डाल दे और लहसुन को थोड़ा सा पकने दे। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा हम इसमें पत्ता गोभी और हरा प्याज डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें हम आधा कटोरी टोमेटो सॉस डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे और हमारा सॉस जो है वो रेडी हो गया है। और अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर देंगे। तो ये हमारा सुपर टेस्टी वेजिटेबल मंचूरियन रेडी हो चुका है। इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।